फ्रेंड्स आज की वीडियो है डोरफिल के ऊपर, डोरफिल कैसे करते हैं और उसमें किस किस चीज़ का ध्यान रखना होता है। चलो छोटी सी वीडियो अच्छी लगने वाली है। जब हम डाइव मारते हैं, डाइव मारने के तुरंत बाद हम डोरफिल करते हैं, उसका कारण क्या होता है कि जब हम डाइव मारते हैं एक वेव तैयार हो जाती है पानी की, तो उस वेव से हम आगे निकले ताकि वो वेव हमारा एफर्ट ज़्यादा ना लगाए, इसलिए डोरफिल करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। डोरफिल में सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको जो लेग्स है, पैर मूवमेंट आपको दोनों ऐसे जोड़ के रखने हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि पैर मूवमेंट है ना जो, वो ऐसे नहीं होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। बाहर में डोरफिल की एक्सरसाइज क्या है कि आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ कमर को पीछे और आगे करना होता है, इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। और जो पानी के अंदर जाके करना होता है ना, हमने कमर को आगे पीछे के साथ साथ ये किक मूवमेंट है ना, दोनों बस ऐसे ऐसे किक करना होता है, ठीक है। अब ये करना कैसे होता है, हमने ये कमर पीछे की, देन आगे ये, फिर किक, फिर पीछे, फिर आगे, फिर किक, एक वेव बनानी होती है एक्चुअल में, हमने ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये वेव बनानी होती है हमें, ठीक है, ये वाली वेव बनानी होती है। इसकी प्रैक्टिस हम दीवार के साथ खड़े रह के, जैसे जैसे सीधी दीवार खड़े हम ऐसे ज्वाइंट करके, देन टच होते हुए गोडे टच होने चाहिए, हमारे गोडे टच हो गए, फिर पीछे, देन पूरी हम ये वाली प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको पोल के साथ करके दिखा देता हूँ, फिर हम पानी में ये चीज़ करते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, जैसे हम ये पिलर है, जैसे दीवार है, आप कुछ भी है, ठीक है, ऐसे इतना गैप दे के आपने खड़े हो जाना है, ठीक है। अब जैसे हमने क्या शोल्डर टच किए, फिर नीचे टच आना है पेट, देन ये थाइस टच, ठीक है, ये चीज़ हमने टच करनी है, ठीक है। ये देखो ये लग गई, और ये पैर मोड आपका ऐसे होना चाहिए डोरफिल के लिए, ये चीज़, ठीक है। ये डोरफिल के लिए आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आपकी डोरफिल बहुत अच्छी होगी। चलो पानी में करके दिखाते हैं कैसे करना है। तो फ्रेंड्स आज आप पानी में और डोरफिल आपको करके दिखाता हूँ। देखो सिंगल आप पानी में आ जाते हो, तो पानी में क्या करना है आपको, आप पहले ना ऐसे सीधे लेट के आप डोरफिल की प्रैक्टिस करने के लिए हाथ को पकड़ के फेस को अंदर करके लेग्स दोनों ज्वाइंट कर लेने, ठीक है। पैर मूवमेंट आपको मैंने बताई है कैसे करनी है। ये प्रैक्टिस करनी है आपने जितनी ज़्यादा कर सकते हो, कमर लेग्स मूवमेंट आपको इतनी चलानी है, ठीक है जी, समझ में आ गया। अब हम यही मैं आपको डोरफिल टर्न करके मतलब साइड में दिखा देता हूँ कैसी चलती है पानी के अंदर, ताकि आपको क्लीन दिखे, स्लो करूँगा, ठीक है। देखो क्लियर क्लियर दिखी होगी आपको, एकदम क्लियर दिखी होगी। अब इसकी हमने रफ्तार बढ़ानी है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी वैसे हमारी रफ्तार बढ़ेगी अंडर वाटर करने की। आप अंडर वाटर में भी डोरफिल कर सकते हो, वैसे मोस्टली ये अंडर वाटर होती है। और ये डोरफिल की किकिंग कहाँ काम आती है, बटरफ्लाई में आती है ये काम, ठीक है। तो अभी एक बार फिर से देखो आप डोरफिल कैसे करते हैं। क्लियर। अब देखो अब सीधा लेते हैं आपको, जब अंडर वाटर में जाते हैं तो डोरफिल करते हैं, तो वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। आई होप कि आपको डोरफिल सारी समझ में आ गई। इसमें ध्यान रखना कि पैर दोनों जॉइंट होने चाहिए जैसे, ठीक है। अब देखो अंडर वाटर की डोरफिल, क्लियर, ऑल क्लियर। इस चीज़ की जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे अच्छे होते जाओगे, और अच्छे होते जाओगे, और अच्छे होते जाओगे, दैट्स इट। आई होप कि आपको डोरफिल में समझ में आ गया होगा, कुछ ज़्यादा मंत्र तो इसमें है नहीं। लेग जॉइंट करके आप किक करने लग जाओ, धीरे धीरे कमर चलने लग जाएगी, धीरे धीरे शोल्डर चलने लग जाएंगे, प्रैक्टिस के साथ साथ आप और बेहतरीन हो जाओगे। और उल्टे लेट के भी डोरफिल कैसे चलती है देखो, जब डोरफिल चलती है ना तो ये ऐसे 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 चलती है, ठीक है। ये चीज़ लेग जॉइंट है, ये किक, देन किक किक, ये आपकी डोरफिल चलती है जो काफ़ी बढ़िया होती है। जैसे हम डाइव मारते हैं, डोरफिल करते हैं, काफ़ी दूरी तय हो जाती है। अंडर वाटर करते हैं, पुश लेते हैं, डोरफिल करते हैं, काफ़ी दूरी तय हो जाती है। डोरफिल के साथ साथ कल ही डोरफिल के साथ एक हैंड मूवमेंट के साथ ये वाला पूल हाफ कंप्लीट हो जाता है, मतलब कि 10 से 15 मीटर आप आराम से डोरफिल के साथ कर सकते हो। देखो एक बार करके दिखा देता हूँ आपको इधर से। तो फ्रेंड्स अब देखो कल ही डोरफिल करूँगा अंडर वाटर में, आपको पता लगेगा कि दूरी कितनी तय होती है, आपको पूल का सारा पता लग जाएगा कितना लंबा है और कहाँ से दूरी है, कल ही डोरफिल के साथ कहाँ निकल।
तो फ्रेंड्स इसमें कोई भी हैंड मूवमेंट नहीं थी, ओनली खाली डॉल्फिन और हल्का पुश्ता। काफ़ी आसान रहता है आप डॉल्फिन को करना। और बटरफ्लाई में होती है, बटरफ्लाई में करके दिखा देता हूँ, इतना तो है नहीं। चलो बटरफ्लाई इसमें होती है हमारी डॉल्फिन यूज। बटरफ्लाई मेरी इतनी है नहीं है, बटरफ्लाई में बहुत ज़्यादा जोर लगता है और एफर्ट भी लगता है, एनर्जी भी लगती है, प्रैक्टिस नहीं आएगी क्या करें। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। सी वर्ड स्विमिंग पूल में आपका जो कि लाडमा में पड़ता है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, पूल लोकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में, आओ इंजॉय करो आप भी डॉल्फिन की प्रैक्टिस करो। आज माय फ्रेंड थैंक यू फॉर द वीडियो।